सो हेलो गाइस, तो यार जब भी हम अपने मोबाइल में किसी गेम को खेलते हैं तो हमारा मोबाइल अक्सर लैग करने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम बनाने वाले एक मोबाइल कूलर। सो विदाउट मोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक सीड का यूज़ कर रहा हूँ और इसके दोनों साइड 5 सेंटीमीटर का मार्क लगाकर इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा और उसे कट भी कर लेंगे। मैंने इस प्लास्टिक सीड को कट कर लिया है और अब हमें अपने मोबाइल फ़ोन को इसके ऊपर रखकर थोड़ी ज़्यादा दूरी पर एक मार्क लगा लेना है और उसे भी कट कर लेना है। और अब हमें एक हीट सिंक लेनी है और हीट सिंक को अपनी प्लास्टिक सीड के मिड पर रखकर उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसको भी कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और अब हमें अपने मोबाइल फ़ोन को इसके ऊपर रखना है और हीट कर इसे कर्व शेप देना है। अब हमें इसके दोनों साइड पर एक सर्कुलर शेप ड्रॉ करना है और उसे भी कट कर लेना है। और अब हम अपनी हीट स्ट्रिंग को इसमें फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। और अब हमें अपने कूलिंग फैन और माइक्रो यूएसबी कनेक्टर को इसमें फिक्स कर लेना है और इसकी वायरिंग भी कर लेनी है। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। और इसी के साथ हमारा मोबाइल कूलर बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने अपने कूलिंग फैन को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और 5 वोल्ट पावर सप्लाई भी दे दी है। इस मोबाइल कूलर को मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया और मेरा मोबाइल ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।